नमस्कार, स्वागत है आपका N27 न्यूज में और आप देख रहे हैं सेहत का खजाना। प्रदूषण न सिर्फ हमारे फेफड़ों बल्कि शरीर के लगभग सभी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी स्किन भी शामिल है। हमारी त्वचा शरीर के अंदर के अंगों को बाहर मौजूद सभी तरह के प्रदूषकों से बचाती है, लेकिन ये खुद भी प्रदूषण का शिकार हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि हम इसका भी बचाव करें। आइए जानते हैं कि हम अपने स्किन को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। आपको बता दें, दिन भर की भाग दौड़ की वजह से आपकी त्वचा पर बहुत सारी धूल मिट्टी और प्रदूषक तत्व इकट्ठे हो सकते हैं, इसलिए रोज कम से कम 2 बार अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें। अपने चेहरे के लिए आप किसी माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी त्वचा के नेचुरल ऑयल छिनेंगे नहीं और आपका चेहरा साफ भी हो जाएगा। रात को आप डबल क्लींजिंग भी कर सकते हैं, इससे आपके चेहरे पर जमा हुआ ऑयल और मेकअप बेहतर तरीके से साफ हो पाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि डबल क्लींजिंग के लिए आप किसी अच्छे क्लींजिंग ऑयल या बाम का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसके लिए मिसेलर वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की गंदगी आपके हाथों के जरिए आपके चेहरे पर जा सकती है, इसलिए बार बार अपने चेहरे को ना छुएं। स्किन केयर करने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे से धोएं, ताकि हाथों के कीटाणु आपके चेहरे पर ना लगे। प्रदूषण के कारण आपकी त्वचा के पोर्स में मौजूद इकट्ठा हो सकते हैं, जिस वजह से वहाँ बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं और आपको एक्ने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। साथ ही यह आपके चेहरे पर इकट्ठा डेड सेल्स को हटाने में भी मदद करता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा एक्सफोलिएट ना करें और अपनी त्वचा को ज्यादा जोर से रगड़ें भी नहीं, इससे आपकी त्वचा पर सूक्ष्म कट लगते सकते हैं और आपकी स्किन बैरियर भी कमजोर हो सकती है। सनस्क्रीन सिर्फ प्रदूषण से होने वाले नुकसान से ही नहीं, बल्कि यह आपको सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है, इसलिए इसे एक भी दिन स्किप ना करें। इसके अलावा यह आपकी त्वचा को एक फिजिकल बैरियर भी देता है, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक आपकी स्किन को हानि ना पहुंचा सके। अपनी त्वचा को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्ले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी स्किन की पोर्स में छिपी गंदगी को साफ करता है, जिससे पिंपल्स होने का खतरा कम होता है। इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 बार क्ले मास्क का इस्तेमाल करें। आपकी त्वचा को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट को हेल्दी बनाना बेहद ही जरूरी है, इसीलिए अपनी डाइट में फ्रूट्स और सब्जियों को शामिल करें। सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी, पालक, ब्रोकली, गाजर आदि को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये त्वचा के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। संतरे जैसे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। विटामिन सी आपकी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये डार्क स्पॉट को हल्का करता है और साथ ही ये प्रदूषण और हानिकारक यूवी किरणों की वजह से होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज को भी कम करता है, जिस वजह से झुर्रियां, सन स्पॉट और डार्क स्पॉट से भी आपकी त्वचा की रक्षा करता है। शरीर में पानी की कमी त्वचा के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि रोज कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। पानी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, इसलिए अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अगर आपको अपनी स्किन पर कोई एलर्जी या और कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सेहत का खजाना सिर्फ N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।